हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज की जो यह वीडियो है, यह एक करंट अफेयर वीडियो है। करंट अफेयर का टॉपिक है जिसका अगले जो एग्जाम्स हैं आने वाले, उसमें से एक प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट। यह जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें से एक प्रश्न बनेगा, तो आप इस वीडियो को आराम से ध्यान से पढ़िए, इसमें से कुछ फैक्ट्स याद करने की कोशिश कीजिए। यह जो मैंने वीडियो है, यह मैंने अलग अलग इंटरनेट पे अपने जो वेब इंटरनेट रिसर्च के आधार पर बनाई है, तो आप इसको देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यह रिपोर्ट है या यह सूचकांक है, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। यह एक समग्र सूचकांक है जो नीति आयोग और मानव संसाधन विकास द्वारा विकास मंत्रालय द्वारा संकल्पित और डिजाइन किया जाता है। इसमें जो शिक्षा गुणवत्ता के प्रमुख डोमेन के आधार पर राज्यों का वार्षिक सुधार का आंकलन किया जाता है। इसका नाम है द सक्सेस ऑफ पावर स्कूल्स, द सक्सेस ऑफ अवर स्कूल्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसमें 34 आपके पैरामीटर्स हैं जिन पर स्कूलों को आंका गया है, राज्यों को आंका गया है, और इसके 1000 आपके टोटल अंक दिए गए हैं। यह जो है यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग ने जो यह आंकड़े हैं इसको 2016-17 के आंकड़ों पर आधार किया, हालांकि आपका आया आजकल में है, लेकिन यह 2016-17 के आंकड़े हैं। इसमें जो राज्य हैं उनको तीन स्थानों में बांटा गया है। सबसे पहला बड़े राज्य, जिसमें 20 राज्य हैं, हमारा उत्तराखंड भी बड़े राज्यों में आता है। उसके बाद छोटे राज्य, जिसमें 8 राज्य आते हैं, और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 20 बड़े राज्यों में केरल 76.6 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है फैक्ट्स के साथ कि 20 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो केरल है 76.6 स्कोर के साथ पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश लास्ट स्थान पर है 36.4% स्कोर के साथ, यानी 36.4% स्कोर के साथ। और उत्तराखंड का जो स्थान है वह 10वां स्थान है। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, इंटरनेट पे जाकर उत्तराखंड का जो नंबर है वो आप नंबर देखिए। 10वां स्थान मैंने आपको बता दिया कितने नंबर हैं, जैसे केरल के 76.6, उत्तर प्रदेश के 36.4, तो उत्तराखंड का कितना है ये आप बताइए। इसमें कौन कौन से सूचकांक थे, सीखने की प्रक्रिया, पहुंच, क्षमता, बुनियादी ढांचे की सुविधाएं, राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े और तीसरे पक्ष के सत्यापन के आधार पर किए गए। छोटे राज्यों में मणिपुर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ सबसे पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, केरल 20 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर, मणिपुर छोटे राज्यों में पहले स्थान पर, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान पर। अब यहाँ पे जो एक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जहां की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस रैंकिंग में नहीं भाग लिया, इस मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल को नहीं लिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन कौन से आपको जो रैंकिंग है, जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्वश्रेष्ठ 3 बड़े राज्य हैं आपके, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। छोटे राज्यों में आता है मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में आता है चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दिल्ली। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह करंट अफेयर वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लाते रहते हैं और जो आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको ऐसी वीडियोस को देखना चाहिए और अपने जो संगी साथी हैं उनके लिए इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, यह मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी अवश्य कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।